हेलो हाय यूरन, स्टॉक टिपन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले मारुति शेयर्स के बारे में, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जिनके लिए भी चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी, बट पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन मारुति हमें 10,364 रुपीज पे ट्रेड करते हुए दिख रही है और अभी डाउन पे डाउन ट्रेंड मेंटेन की हुई है। ऐसा डाउन ट्रेंड क्यों, तो निफ्टी 50 का भी आप लोग देख सकते हैं क्या हाल है अभी के टाइम में, बहुत ही बुरा हाल है। 19,910 और अभी जो डाउन ट्रेंड क्रिएट की है वो बहुत ही ज्यादा डाउन जाने का चांसेस बना सकती है। चलिए ये तो रही बात की बात, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेंड डाउन बनी है तो इसमें लोग अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहे, अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं छोड़ रहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे 70.33% मतलब 70.33% की यहाँ पे होल्डिंग बनते हुए, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छोड़ना एक बहुत ही बड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि ये शेयर्स जिस तरीके से मेंटेन करिए, और ऑटो सेक्टर की मेनली बात करें तो ऑटो सेक्टर नेक्स्ट लेवल पे भाग चुकी है। इसी का कंपैरिजन में और सारी शेयर्स के बारे में बात करें, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब के बारे में बात करेंगे तो ये सभी एक अलग लेवल पे है। और मारुति वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है ऑटो सेक्टर में, इंडियन ऑटो सेक्टर में, क्योंकि बजट एंड रीजनेबल के मामले में मारुति और माइलेज के मामले में मारुति, इनफैक्ट अब तो सेफ्टी को भी लेकर ध्यान दे रही। तो चलिए ये तो बात की बात रही, होल्डिंग अच्छी बात है कि अच्छी खासी बनते हुए दिखी है। एक टाइम पे अगर सिनेरियो की बात करें तो सबसे पहले मैं आज के दिन का बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो आज के दिन सबसे पहले आपको गिरावट होते हुए दिखी, और गिरावट ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देख सकते हैं, क्या ही मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई हुई थी, इसको भी ब्रेक करते हुए दिखी, बट ये हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट आपको देखने मिल जाए, बट हाँ मेंटेन करते हुए आज के दिन हमें दिख गई है। आ जाते हैं वन मंथ पे, वन मंथ में देख लेते हैं किस तरीके से फ्लो मेंटेन हुआ है। जस्ट वेट, तो देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से अच्छी तेजी बनी थी और मार्केट में अच्छा खासा तेजी बना हुआ था, मार्केट चली गई थी 10,600 प्लस पे चली गई थी, बट उसके बाद यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिला और वो अभी जाके 10,357 पे आ चुकी है। जल्दी ही शेयर्स में इतना तो हिम्मत है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगी। और यहीं पे वन ईयर से ध्यान दे तो वन ईयर में एक अलग ही लेवल का ट्रेंड मेंटेन की हुई है, और यहाँ से तो गजब की तेजी, यहाँ पे 9,400 से गजब की तेजी देखने को मिली, यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट मिलते जैसे ही मिली इस पॉइंट से ब्रेकआउट, और बहुत ही ऊपर तेजी बनी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस मेंटेन की हुई है। वन ईयर में कोई कमी नहीं छोड़ी है, मतलब मार्केट में एक वन ईयर में एक अच्छा छाप छोड़ के जा रही है मतलब मारुति, और लगातार एक अच्छे तरीके से मोमेंटम दिखा रही है। अभी लोगों का बात है कि यहाँ पे सपोर्ट सर इतना ऊपर चली गई है, क्या ये और भी ऊपर जाएगी, कंसोलिडेट करेगी। देखिए होल्डिंग्स तो लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं है होल्डिंग्स नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 10,000 के एरिया में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी, और यहाँ पे भी आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 10,131 मतलब 10,140 के 40 से 50 के रेंज में, मतलब वही रेंज को मतलब 10,150 से बात करें तो 10,100 तक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज बन रही है, इनफैक्ट 10,000 तक उसको बोल सकते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज बन रही है जहां पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर आप लोग बाइंग का सोच रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं ये शेयर्स डाउन नहीं आ सकती, आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, तो ये सारे पॉइंट पे बात करते हैं। अब यहाँ पे जैसे जिस तरीके से इंडियन ऑटो सेक्टर ग्रो करते हुए दिखी है मार्केट में, वो बहुत ही अच्छी लेवल पे ग्रो की है। अब आगे की ओर बात करें तो यहाँ पे बाकी सारी कंपनी से अगर इसको हम लोग एनालाइज करते हैं तो टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि मारुति कुछ ज्यादा ही ह्यूज लेवल पे मेंटेन करते हुए दिखी, और उससे ज्यादा तो महिंद्रा मेंटेन करते हुए दिखी, दोनों का भी मार्केट पकड़ बहुत ही अच्छा, और इनफैक्ट टाटा का भी कोई कम नहीं है। तो यहाँ पे टाटा और मारुति सेम तरीके से परफॉर्म अभी कर रही है, और महिंद्रा तो और ऊपर है। तो यहाँ पे एक ऑल ओवर की बात करें तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर जिस तरीके से भागते हुए दिख रही है तो चांसेस बन सकता है थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो सकती है अभी के टाइम में, करेक्शन देखने को इधर भी मिल जाए। इनफैक्ट निफ्टी 50 का जो डाउनफॉल देखने को मिला है तो इस हिसाब से ट्रेंड भी चेंज होते हुए दिख सकती है यहाँ पे, मतलब निफ्टी 50 का थोड़ा तो इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मार्केट में, मतलब मार्केट के ही चलते ये इफेक्ट आ रहा है तो, बट ये सब के चलते ऑटो सेक्टर में भी इफेक्ट होने को बन सकता है। प्रमोटर की साइड बात करें तो प्रमोटर सेम तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी मेंटेन है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 18,110 अच्छी खासी मेंटेन है, अदर्स में बात करें तो नॉर्मल तरीके से मेंटेन की हुई। तो ऑल ओवर बात करें तो सही तरीके से मेंटेन है, कंपनी की फाइनेंशियल डेटा आपको लोगों को भी पता है बहुत ही अच्छी है, और कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में भी देते हुए दिख जाएगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा, और इनफैक्ट ये सारी भी वीडियो अपलोड हुई है IRFC और बाकी सारी की भी वीडियो अपलोड हुई है, तो प्लीज गो एंड वॉच इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनफैक्ट मेरे चैनल पे तो आपको मिल ही जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।